कंप्लीट हो गया था और हम लोग इतने ज्यादा खुश थे क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग में आप देख रहे होंगे मेरे वाले चैनल पे, इनके चैनल पे भी मुझे पता नहीं कौन से पे आया होगा, कि मुझे ना पेन स्टार्ट हो रहे थे दो दिन से, कि मतलब ऐसे हो रहा था कि बेबी आ जाएगा ऐसे एक्साइटमेंट हो रही थी। पर अभी आज हम अल्ट्रासाउंड करवा के आए हैं तो सब कुछ ओके की रिपोर्ट आई है, कोई कमी नहीं आई। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हो, इतनी पॉजिटिविटी बना के रखते हो और दुआएं देते हो कि हम दुआ करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बेबी बिल्कुल सेफ हो, हेल्दी हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआ भी काम आई है कि सब कुछ बहुत अच्छे से है, नॉर्मल है सारी चीजें। डिलीवरी के लिए भी बोला है कि अभी तक चांसेस यही है कि अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसी खुशी में मम्मी ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि मतलब भाई जो वो घुट्टी देते हैं उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है, तो डॉक्टर मतलब वो मेडिसिन की तरह नहीं, वो वैसे हमारे घरेलू रिश्ते हैं उनके साथ में, आप लोगों को पता ही होगा हम जिनके पास जाते हैं तो वो मतलब एज एन फ्रेंड टाइप का थोड़ा ऐसे अच्छे से बात करती है हमसे। तो फिर मम्मी से फर्स्ट टाइम मिली थी तो मम्मी को छेड़ रही थी वो कि हाँ भाई घुट्टी घाटी के लिए क्या प्रोग्राम करा है, तो मम्मी बोली वो व्लॉग भी देखती है एक्चुअली, तो उन्होंने हमारा व्लॉग भी देखा था, तो फिर क्या बोली आगे वो, फिर वो बोली कि आपने तो स्टील का वो ले रखा है, चांदी की चम्मच से देनी चाहिए तुम्हें, तो सब कुछ इतना ठीक जा रहा है, सब कुछ 9 महीने हो गए कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब मम्मी कह रही है कि चांदी की चम्मच लेके आनी है, चम्मच और कटोरी लेके चला, सही मौसम सही है, आज फुल शॉपिंग बैठा ना, आज बारिश भी हो रही तो भी सही मौसम है। अभी बारिश रुकी है, मतलब ऐसा हो रहा है 10 मिनट बारिश आ रही है रुक रही है, अभी तेज बारिश आई हुई थी अभी रुक गई है। तो मम्मी कह रही है लेकर चलनी है, बाद में थम लेकर आओ ना लेकर आओ, इब लेकर चल रही है। तो यार किसी में भी दे दो, कुछ ना होता, क्यों खर्चा करने लाग रहे हो, ये ना मान रहे तो ठीक है, थमने करना लो अपना, अब देखते हैं अगर बारिश रुक गई तो आज ही लेके जाएंगे, हैं आज ही लेके जाएंगे, पहले गाइस इनको छोले भटूरे खिला देते हैं और क्या खाना था, बट आज छोले भटूरे खा लो, शाम को कुछ खा लेना, छोले भटूरा। डॉक्टर ने बोला मैं कुछ भी खा सकू हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कहती जो मन करे वो खा हाल, और अपने लड्डू और डलवा ले, जो भी घी भी का अच्छा है अच्छा दबा के खा। तो गाइस अब ले रहे हैं फ्रूट, ये बड़ी वाली मंडी है क्योंकि अनार ना हमारे वहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो मम्मी ना देख के लेके आएगी। अनार भी आजकल टमाटर का भाई हो रखा है पूरा, 200 रुपए किलो हो रहे भाई अनार, 250 है उधर, तो 250 में मिलते नहीं है, यहाँ दे रहे हैं 200, तो हाँ मिलते नहीं है 250 में भी। तो ये बड़ी सी मंडी थी फ्रूट्स की ना, मम्मी बोली देख के लेकर आऊंगी सारे नो पीछे पीछे पीछे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पहले छोले भटूरे खाने, क्योंकि हम लोगों ने ना सुबह ब्रेकफास्ट किया था, दो पराठे खाए थे, तो अब गए हैं वो छोले भटूरे लेने, और मम्मी तो फर्स्ट टाइम खाओ, आपने पहले ना खाए ना यहाँ के, और ये नया ट्रायल करवाएंगे क्योंकि मम्मी ना गाड़ी में बैठे जब कुछ खाया ना करे, उनका उल्टी पड़ेंगी, माँ तू खा के देख, आज पड़ेंगी तो देखी जागी, तो आज इन्हें खवा के लेके जाएंगे, फिर चलेंगे सुनार के, ठीक है पहले खा के। तो हमने ना 2 प्लेट करवाए क्योंकि मैं थोड़ा सा खाऊँ, मुझे भूख नहीं, मेरे को इन्होंने ना फ्रूट खिला दिए, खुद छोले भटूरे खा रहे हैं, मुझे फ्रूट खिला दिए। कैसे लगे मम्मी, अच्छे लगे? प्लेट कति चट कर दिए मम्मी ने, इतने टेस्टी लगे, बस ये उल्टी ना पड़ो, बाकी देखी जागे मित्तू हाँ, मतलब मैंने भी खाए मम्मी वाले में, बच्चे की ज्यादा खुशी मेरे को है। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे से सब्सक्राइबर मिले, ये देखो क्यूट से, क्या नाम है बेटा, हैं ओके, और ये इनकी मम्मा, ये हमारे ब्लॉग देखते हैं, इतनी छोटी सी, इसी ने पहचाना था, इधर बैठी थी ना मम्मा, ये तो वो जो वीडियो बनाती है, सो स्वीट। तो भी खाना पीना खा के आ गए हैं, अब ये खाने की कह रहे हैं क्या पिज्जा खाना है, तो आज पूरे दिन मार्केट में है, और ये जो जो बोलेंगे ना वो खिलाएंगे इनको, आज जो आज बोलेंगे। कौन सा कली बालक थोड़ी आ जाएगा, कली थोड़ी आ जाएगा बेबी, पता नहीं ना, उसने बोला है ना डॉक्टर की पैक पैक करके तैयार रखो, कभी बुला सकती हूँ, पहले तो सबसे जाके मम्मी बैग भी पैक करना, हमने मेरा बैग पैक, असल में मेरी ड्रेस ही ना ली जो मैंने ऑर्डर कर रखी है यार, वो आएंगी तभी तो पैक करूंगी, पर्चा लेना चाहिए, सही है जो काम का जो सामान वो डाल लेना। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम पीसीजे पे, अपनी फेवरेट प्लेस पे, हम हमेशा यहीं आते हैं, ये देखो गाइस आके बैठ गए हैं, और सारी चीजें यहाँ पे ग्लास वगैरह ये वो सब,
कितने किलो का लेना है? एक दो किलो का? अच्छा ये दिखा दी है, चम्मच और कटोरी। ये क्या, ग्लास? हाँ, जैसे गिलास से हो जाती है। अच्छा, नॉर्मल स्पून चाहिए, वो अभी नहीं, चम्मच तो नहीं है इनके पास, ऐसे होनी चाहिए। तो भाई वहाँ पे ना कटोरी तो मिल रही थी बट चम्मच नहीं मिली, तो अब आ गए हम दूसरी मार्केट में देखने के लिए। तो यहाँ पे एक ज्वेलरी की शॉप दिख रही है, इस पे देखते हैं। इधर यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल गई भाई, और छोटी छोटी कटोरी भी हैं, ये भी है, गिलास भी। दादी हो गई है खुश, जो चाहिए था वो मिल गया, फाइनल पेमेंट हो रही है अभी। अब और कुछ तो नहीं लेना, अब सब हो गया, मत बोलो, अब सीधा घर चलेंगे। देखो कितने मस्त मस्त गाने सुना रहा हूँ आपको। मैंने चलाया, आपने चलाए झूठे भाई, मैंने चलाया। आवाज तो मैंने तेज करी थी गाड़ी में, मैंने करी थी वो भी। अच्छा, आपके लिए तो गाना बजे ना बजे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर में दर्द होता है गाना ना बजे तो। और कुछ खाना है तो बता दो। क्यों फाड़ते हो? तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में इन्होंने ही कहा था कि मैं ये सारी चीजें खाना चाहती हूँ, छोले भटूरे, पिज्जा, मोमोज। मुझे भूख नहीं थी ऐसे कुछ की, हाँ, मुझे खाने ही है। और अगर ना खिलाता ना तो फिर कहते ये भी नहीं खिलाया, वो भी नहीं खिलाया। ये गवाह है, पीछे एक व्लॉग में कहते रहे थे कभी पार्टी नहीं देते, ये नहीं करते। वो तो चलो हंसी मजाक लोग लुभाएगा, चलता रहेगा। अच्छा, वो तो हस्बैंड वाइफ छेड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, तो टाइम पास कैसे होएगा, वो चीज भी तो है ना। हंसी मजाक भी चलना जरूरी है। और गाइस मौसम ने इतना साथ दिया हमारा आज, इतना साथ दिया है, थोड़ी सी देर 5-10 मिनट बीच में थोड़ा सा वो हुआ था बस। बिल्कुल ऐसा मौसम हो रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट कैमरा करके, ये देखो बिल्कुल बारिश का मौसम हो रखा, बिल्कुल पूरा पूरा, बीच में आ भी जाती है कई बार हल्की हल्की बूंदे आ रही है जा रही है। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं सुबह के निकले हुए और शाम हो गई है। अभी थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, पैर पैर धो लिए, मिट्टी में घूमे थे ना। हाँ जी, चप्पल चेंज कर ली बाहर के, अलग धुल के रख दी ऐसे वाले अलग। तो गाइस यहाँ पे इनको दूध और इधर दे दिया है लड्डू और रस, इधर पांडा खाएगा अभी लड्डू। आज खत्म कर दें आपको ये? हाँ, खत्म कर लेंगे पूरे पूरे। और इधर कियान से बात हो रही है, सो गया सांडा हमारा, सो चुका है। ये दिक्कत बन सकती है क्योंकि इन्होंने नंगा लेटा रखा है इसको। पापा और पैर ना देते कपड़े के करे ते काट दे हैं। बालक पतला हुआ है, कपड़े पर आगे रखो, काट कर रखो, एक बनियान पहन दे हैं। कपड़े इतने सारे बेचारे तो। तो गाइस मैं और मम्मी पियेंगे चाय, क्योंकि हमारी हालत हो रखी है बिल्कुल टाइट, एकदम बिल्कुल ऐसा करड़े कड़ा वो रखा है पूरा शरीर, और गोली लेंगे फिर तो। और गले में भी लग रहा है मेरे को तो ऐसा खस खस सी हो रही थोड़ी सी। आप खुद बीमार हो गए, मैं को कर दिया, अब थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा है, अब फिर करोगे? मैं गोली ले लूंगा आज। तो गाइस वहां पे तो आपने अच्छे से नहीं देखी होगी, ये देखो पांडा, ये देखो बिल्कुल छोटी सी कटोरी और चम्मच। सही बताऊं, चीजें जब होती है ना खुद के साथ बीतती है, जब छोटी छोटी चीजों का पता चलता नहीं, सच बताऊं मेरे को नहीं पता था ये चीजें भी होती है। कितनी अच्छी चीज है, छोटी चीज है, क्यूट सी है ना। फिर जब जो भी होगा लड़का लड़की ने, फिर सबसे पहले जब वो खाएगा ना फिर 6 महीने बाद, तो इसमें हलवा खिलाएंगे फिर, ठीक है? सबसे पहले हलवा, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इनको ही है ना, है ना। इस छोटी सी कटोरी में
तुम्हें नहीं खाना है? मैं खाऊंगी, वही तो खाओगे बालक। अच्छा, 6 महीने तक तो। तो गाइस कैसी लगी आप सबको बताना भाई कमेंट करके। सॉफ्ट सी है बिल्कुल, अच्छी लग रही है। आज पूरा दिन ये ना बाहर का ही खिला रहे हैं, मैं चाप ले आई हूं। मैं फर्स्ट टाइम ये सारी चीज ट्राई कर रही है। चाप मैंने पहले नहीं खाई थी, आज फर्स्ट टाइम खाई और अच्छी लगी। प्याज ना खास कर डंडी तो खाओ, आते खा ले मम्मी, आते भी खास कर इसने। तो गाइस जब हम लोग मार्केट से आए थे काफ़ी थक गए थे, बहुत देर रेस्ट किया, उसके बाद मित्तू चले गए बाहर। इनको जो फीवर हो रहा था ना, तो इनको आज भी ऐसे ही 2-3 दिन से बीमार चल रहे हैं। मैं तो चली रही थी, ये भी अब बीमार से चल रहे हैं। तो आज दवाई लेके आए हैं, अब दवाई ली है, डिनर कर लिया। डिनर में थी आलू बीन्स की सब्जी, रोटी, रायता, इनने लिया अदरक वाला दूध। तो बस करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एनर्जी आई है चम्मच और कटोरी के साथ में। और कुछ लेके आना तो भाई बता देना। अब मेरा बैग पैक करना रह गया यार, डॉक्टर ने भी बोल दिया था मैं करूंगी 1-2 दिन में। तो मैं सोचूं एक साथ ही सारी चीज दिखाऊं, अब आधी चीज दिखाऊं, फिर अब आधी चीज बाद में दिखाऊं, उस करके बस मैं रुक रही हूँ। नहीं तो आप लोगों को मैं डिलीवरी बैग भी अपना पूरा तैयार करके दिखाऊंगी जल्दी। और गाड़ी गेट पे लगा रखी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सही में रियलिटी में पार्किंग में गाड़ी लगाता था पहले बेसमेंट में, अब मैंने गाड़ी हटा के वहाँ से मेन गेट के पास लगा रखी है। बस गाड़ी की सेल्फ मारी और चलो फिर से, क्योंकि डॉक्टर ने आज ऐसा बोला कि बैग पैक कर लिया मैंने। नहीं यार, किसका वेट कर रहे हो, कभी भी आ सकता है बेबी। ऊपर से मुझे 2 दिन से दर्द हो रहा है, हल्का हल्का पेन हो रहा है, अब वो पता नहीं किस वजह से। अब वो तो कह रही है अगर ये बढ़ गया तो बेबी आ जाएगा, नहीं तो और 2-4 दिन ऊपर नीचे सही। तो बस ये रहता है कभी भी रात में कि अरे यार हो तो नहीं गया, अरे हो तो नहीं गया, ऐसे रहता है। तो बस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। Thank you.